मंदसौर थाना अफजलपुर क्षेत्र गांव नेतवाली में कीचड़ से लेकर पानी तक की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने पानी की समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत सहित कई कार्यालय तक आवेदन पत्र दे दिया, परंतु हमारी समस्याओं का निराकरण कोई करने वाला नहीं है। और जब नेतवाली नई आबादी में पाइपलाइन का कार्य चल रहा था, उसको भी पंचायत द्वारा रुकवा दिया गया और कहा कि नई आबादी के लिए पाइप नहीं आए हैं। और इस बात की शिकायत सचिव को की तो उन्होंने कहा कि जो करना है वो कर लो, अभी नहीं होंगे। इस बात की क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा को भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। जब ग्रामीणों ने मंदसौर सीतामऊ रोड हाईवे पर जाम कर दिया, तो सूचना पर थाना अफजलपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटवाने में लगी और समस्याओं का निराकरण के लिए पंचायत स्टाफ को सूचित किया व स्टाम्प लिखवाया, जिसमें बताया गया कि समस्याओं का निराकरण 15 दिन के भीतर नहीं हुआ तो ग्रामीण उचित कार्रवाई पंचायत के खिलाफ करवा सकते हैं। वहीं थाना प्रभारी लाल सिंह परमार ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि इस तरह बिना अनुमति के हाईवे जाम नहीं कर सकते, कितने लोग परेशान होते हैं इसमें यह किसी को नहीं पता है। ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं अभी 2 दिन से बाहर था। ये जो आपने चक्का जम किया ना, इसका मुख्य कारण क्या है? परेशान है सब। तो इस विषय में आपने जो विधायक वगैरह इनसे कोई अवगत करवाया होगा? अच्छा, चक्का जाम कराए, क्या है पूरा मामला और किस कारण चक्का जाम हुआ पूरा मामला? मेरी जानकारी के अनुसार तो मेरे को आज मालूम पड़ा है कि विरोध कर रहे हैं। मैं तो इनके बिना कहे विधायक जी कोटे से पैसे लाया, पाइपलाइन मंजूर करवाई, लाइन खुदवाई, लाइन का काम चल रहा है। 15-20 वर्षों से पानी की समस्या है गांव में। 5% नलकूप करवाए, 5-4 कुएं खुदवाएं, उनमें पानी नहीं निकला। 20 साल से लोग परेशान हो रहे हैं और इनका आक्रोश था कि पानी नहीं मिल रहा। और मैंने इनके आवेदन लेके इनके विधायक निधि से इनको बुलाकर यश करवाया, क्या आपके पानी नहीं आदमी लाएंगे, पाइपलाइन डालेंगे, अतिशीघ्र डालेंगे, चिंता मत करो। इसके बावजूद भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, मशीन वहीं खड़े मौके पे, लाइन डल रही, इतने के बाद भी इन लोगों ने इतनी दिमाग कर, इतना सब करने के बाद में इन लोगों ने चक्का जाम करा है, कुछ तो कारण होगा चक्का जाम करने का। मेरे जानकारी में कथई नहीं है कि और समस्या कोई इनसे लेन देन किया हो, इनसे पूछ लो। मेरे तो इस विषय में आपने विधायक से या किसी से शिकायत करी थी? कलेक्टर के वहाँ गए थे सब, यहाँ नवी आबादी का उनके बाद हुए लगी हमारे नेता यानी नवी आबादी के नाम की, तो गांव में पानी जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं ना, हमारा पानी नहीं आ रहा है, आदि भाईले दादी ना आशी जी भी कोने ना तेरे घर भी कोने कई बोल, और यहाँ पैसा उगाई लीदा सब ने नहर के बल्ले ने फिर अभी आ गया पाइप ले पेयजल मोटर भी डलवाई और नया आवाजी में पाइपलाइन भी कर रहा है और नया आवाजी से अपने गाँव में भी ले जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा विरोध था कि गांव में बाद में चालू करो के लिए नई आवाजी में चालू, तो नया आवाजी में भी अपन लाइन के द्वारा है, पहले प्राथमिकता नई आवाजी की, उसके बाद अपन गाँव को भी पानी देंगे। गाँव वाले नई आवाजी के वाले पर्याप्त पानी देंगे। यहाँ के ग्रामीण लोग गाँव का विरोध क्यों कर रहे हैं और बस स्टैंड में पानी क्यों लाना चाहते हैं, क्या कारण है पूरा इसका? नहीं, ऐसा ज़्यादा विरोध नहीं है, दोनों जगह पानी नहीं जाएगा। ये जो गांव के लोग समस्याएं बता रहे हैं, अंदर के गांव के बोल रहे हैं कीचड़ वगैरह भी है, पानी की समस्या लेकर गांव में आरसीसी वगैरह भी नहीं है, तो इसका कारण भी क्या है? पहले पेयजल की प्राथमिकता है, पेयजल सीसी भी करवाएंगे। तो इस बात ये बताओ, पेयजल का कितने दिनों में आप समाधान कर कर पाओगे सर? पेयजल का कर देंगे 15 दिन के अंदर। 15 दिन का अगर अंदर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? सरपंच साहब का क्या कहना है? ना घर आया ना लिख के दे रहे।